हेलो ऑल लवली व्यूअर्स, बारिश का मौसम आ चुका है तो मन करता है कि पकोड़े और चाय हो जाए, तो इसीलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल कॉर्न पकोड़े की रेसिपी। तो हम ले रहे हैं चॉप करी हुई अनियन, टमाटो में से हमने सीड्स निकाले हैं, और ये हमारी कॉर्न जिसे हमने एक बार उबाल लिया था पानी में, और साथ में लिया है हमने सोक करा हुआ पोहा, बॉइल्ड पोटैटोस, ब्रिटानिया ब्रेड, वेजिटेबल ऑयल, सॉल्ट, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर एंड आमचूर पाउडर। बहुत ही इजी एंड सिंपल रेसिपी है ये। अब बना लेते हैं स्टफिंग। स्टफिंग के लिए हमारी जो थोड़ी सी उबली हुई कॉर्न थी उसे हम एक बाउल में डाल रहे हैं, और साथ में टमाटोज और अनियंस भी डालेंगे। अनियन और टमाटो को छोटे साइज में ही कट करें। इसे हम छोटे साइज में इसलिए कट कर रहे हैं कि जब हम इन्हें पकोड़ों के अंदर भरेंगे तो ये फटे ना, पकोड़ा तलते हुए फ्राई करते हुए पकोड़ा फटे ना, इसलिए हमने इन्हें छोटे साइज में ही कट करा है। अब इसमें आप डाल लीजिए अपने रेगुलर स्पाइसेस, धनिया पाउडर। सभी स्पाइसेस को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए कितना आपको तीखा पसंद है। यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं, और ये है गरम मसाला, और थोड़ा सा ही आमचूर पाउडर। अब फिर इसमें डालते हैं स्वाद के अनुसार सॉल्ट। अच्छे से सारी वेजेस को हम मिक्स कर देते हैं हमारे स्पाइसेस के साथ, और इसे रख देते हैं साइड में। और अब बना लेते हैं हमारी डो को। डो बनाने के लिए हमने 4 से 5 हमारे बॉइल्ड पोटैटोज लिए हैं, और उन्हें अच्छे से मैश कर रहे हैं मैशर की हेल्प से। इससे क्या होगा, कोई भी लम्स नहीं रहेगा। और साथ में डाल रहे हैं सोक करा हुआ हमारा पोहा, 1 बॉल पोहा हमें इसके अंदर डालना है। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 3 स्लाइस ब्रिटानिया ब्रेड के। आप कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड को एक बार पानी में डिप कर दीजिए जिससे थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, और उसे मैश करके फिर इन सब इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला दीजिए। ये अच्छा काम करेगा इसे क्रिस्पीनेस देने के लिए पकोड़े को, और एक अच्छे से इसे बाइंड करने के लिए। अब सभी डो को अच्छे से बाइंड कर दीजिए, थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए, और फिर इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा सॉल्ट। आप सॉल्ट के साथ और स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे स्वाद के अनुसार ही हमने सॉल्ट डाला है, और अच्छे से एक डो की फॉर्म देंगे, एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे इसका, और इसे 5 से 7 मिनट रेस्ट करने देंगे। रेस्ट के बाद डो को हम थोड़ा सा ऑयल लगा के ना एक बार मसाज कर लेते हैं, इसको एक बार स्मूथ आउट कर लेते हैं, और फिर एक छोटा सा स्मॉल साइज लेंगे। अब अपने पाम की मदद से, अपने हाथों की मदद से अच्छे से उसे एक सिलेंड्रिकल, एक लंबा सा शेप देना है, और एक तरफ अपने थंब की मदद से, अंगूठे की मदद से आपको एक होल बनाना है। थंब की हेल्प से डो को अंदर पुश करने के बाद हमने एक होल बना लिया था। अब उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी स्टफिंग। स्टफिंग थोड़ी ही डालिए, अगर आप ज़्यादा फिल कर देंगे तो कॉर्न पकौड़े को फटने का डर रहता है जब हम इसे फ्राई करेंगे। अच्छे से इसके माउथ को सील कर दीजिए जहाँ से आपने स्टफिंग भरी, और एक बार अपने हाथ से इसे कटलेट की शेप दे दीजिए, सिलेंड्रिकल शेप दे दीजिए, और रख दीजिए साइड में इसे 3 से 4 मिनट के लिए। चलिए इसे एक बार और बनाते हैं। थोड़ा सा डो हाथ में लेना है, अगर डो आपके हाथ में चिपक रहा हो तो आप थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर सकते हैं अपने पाम्स पे, अपने हाथों पे, और फिर से थंब की हेल्प से ये डो को साइड में, और एक होल फॉर्म करिए, एक गड्ढा सा बना लीजिए, और इसके अंदर हम डालेंगे हमारी स्टफिंग। स्टफिंग को अच्छे से इसके अंदर फिल कर देना है, और फिर इसके माउथ को हम फिर से बाइंड कर देंगे, बंद कर देंगे अच्छे से, और एक सिलेंड्रिकल शेप देके इसे साइड में रख देंगे। हमने इसे सबको बना लिया है, अब इन्हें हम कुछ मिनट के लिए साइड में रख देते हैं जब तक हमारा जो ऑयल है फ्राई करने के लिए गर्म हो जाता है। ऑयल गर्म होते ही इसमें हम धीरे से बहुत डेलिकेटली डालेंगे इन्हें, हर एक कॉर्न पकौड़े को इसके अंदर डाल दीजिए, और इन्हें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक सिकने दीजिए। एक ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है इनके ऊपर जब ये सिक जाते हैं अच्छे से, और इन्हें अब हम निकाल लेते हैं कढ़ाई से बाहर। एकदम ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउनिश कलर है इनके ऊपर। चलिए अब एक टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्रंची है या नहीं। बन गए हैं बिल्कुल क्रंची एंड यमी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।